खबरें हैं रीवा की, जहां स्थानीय निकाय के चुनावों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इस क्रम में आबकारी विभाग द्वारा शराब के अवैध भंडारण एवं परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। आबकारी तथा पुलिस विभाग द्वारा जब्त की गई लगभग 2000 लीटर राजसात शराब को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नष्ट किया गया है। जब्त शराब की बोतलों एवं पाउचों पर रोड रोलर चलाकर इन्हें नष्ट किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि शराब के अवैध परिवहन एवं भंडारण पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। विभिन्न प्रकरणों में पुलिस तथा आबकारी विभाग द्वारा जब्त की गई शराब पर रोड रोलर चलाकर उसे नष्ट किया गया है। थाना मऊगंज के तहत आरोपी धर्मेंद्र कुमार ताम्रकार से जब्त की गई 180 लीटर तथा ब्रजेंद्र सिंह निवासी बरहटा से जब्त की गई 1478 लीटर शराब नष्ट की गई है। थाना लौर में राजमणी जायसवाल निवासी ग्राम हिनौती जिला सीधी से जब्त की गई 54 लीटर तथा सुखमंती जायसवाल निवासी मनगवा से 69 लीटर अवैध शराब जब्त कर नष्ट की गई है। कलेक्टर ने बताया कि थाना नई गढ़ी में दर्ज अवैध शराब के प्रकरणों में निसार अहमद निवासी मलियान टोला निवासी रीवा से 53 लीटर शराब जब्त की गई है तथा धर्म कुमार निवासी ग्राम फूलकरण से 79 लीटर अवैध शराब जब्त कर नष्ट करवाई गई है। इसके साथ साथ आबकारी विभाग द्वारा जब्त लगभग 100 लीटर विभिन्न ब्रांडों की देसी और विदेशी शराब की बोतलें नष्ट करवाई गई है। कार्यवाही के समय सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सागर, तहसीलदार मऊगंज तथा विभिन्न थाना प्रभारी उपस्थित रहे।